केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक यानी लेबर बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है। अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है, यानी अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कंपनी हर साल ग्रेच्युटी देगी। ये नियम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अब तक जो नियम था उसके मुताबिक ग्रेच्युटी लेने के लिए कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करना जरूरी था। हालांकि मृत्यु या असक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरा होना जरूरी नहीं है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। अब इसी नियम में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक कोई कर्मचारी अगर किसी कंपनी में 1 साल भी काम करता है तो वो ग्रेच्युटी पाने का पात्र होगा। 5 साल की समय सीमा को खत्म करके अब 1 साल कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रेच्युटी की रकम कैसे कैलकुलेट होती है। कुल ग्रेच्युटी की रकम के लिए अंतिम सैलरी को 15/26 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसे कंपनी में जितने साल काम किया है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। ऐसे कर्मचारी जो फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी करते हैं उन्हें उतने दिन के आधार पर ही ग्रेच्युटी पाने का हक होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी उनके वेतन के साथ साथ ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो, उन्हें वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी